कल एक सवाल है दादा, कल नियोजन नीति जो है स्थानीय नीति को लेकर नियोजन नीति बना था, दसवीं पास और इंटर पास झारखंड में जो करेंगे वो झारखंड स्टेट में जॉब करेंगे, लेकिन वो भी हाईकोर्ट से उसको रिजेक्ट कर दिया। देखिए, नियोजन नीति पर हम यही कहना चाहेंगे कि चाहे रघुवर सरकार हो चाहे हेमंत की सरकार हो, युवाओं को केवल छलने का काम किया है। खासकर बड़ा दुख होता है, आप ये छात्र हैं, अभी छात्र हैं, पढ़ने वाले युवा हजारीबाग रांची इत्यादि क्षेत्रों में जाकर, जगहों में जाकर बड़ी मुश्किल के साथ घर से खेतीबाड़ी को गिरवी रखकर, अपनी पुरखों के गहने को बहुत सारे लोग गिरवी रखकर एक अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं कि भविष्य में एक अच्छी नौकरी होगी तो जीवन संपन्न होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की नीति बनना जो गलत है उस पर आज सरकार को संज्ञान में लेते हुए, सरकार को चेतते हुए एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो राज्य के हित में। और बिल्कुल मेरा भी मानना था कि 10th 12th कहीं ना कहीं फंसने वाला नीति इसलिए था कि हमारे बहुत सारे जो ग्रीडी के छात्र हैं, हमारे एक साथी हैं, वो महाराष्ट्र से 12th पास किए हैं, तो इस हिसाब से उस नीति के हिसाब से क्या हो जाता कि जो वो झारखंड का नहीं गिने जाते, तो कहीं ना कहीं छात्रों को केवल रुलाने का काम हो रहा है। गवर्नमेंट जानती है कि नीति एक दिन कोर्ट में फंसेगी, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि इसको केवल और केवल आखिर अपना तो बचाव कैसे करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि वैकेंसी इसलिए मन रद्द किए हैं कि कोर्ट ने नीति को रद्द कर दिया। ये जानबूझकर अच्छा नीति नहीं बना रही है, क्योंकि ये चाहती है कि झारखंड की जो युवा है, युवा जो रीढ़ होती है, उसे चाहती है धराशाही करना, और धराशाही कर उसे कमजोर बनाकर ये शासन करना चाहती है। आज के इस जो आपका हुई, इसमें आप प्रबंधन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो स्पष्ट वेदांता प्रबंधन को यही कहना चाहेंगे कि जब आपका उद्योग हमारे गांव में आ रहा था, आपने बड़ा बड़ा वादा किया था कि हम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आपके गांव में आएंगे तो आपके गांव को विकास से जोड़ेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी से जोड़ेंगे और एक अच्छी नौकरी देंगे जिससे आपका जीवन धन्य होगा। लेकिन जब वो वेदांता अथवा इलेक्ट्रोस्टील के माध्यम से वो कंपनी हमारी जमीनों पर स्थापित होती है, हमारे जमीनों का अधिग्रहण होता है, और जैसे ही प्रोडक्शन उत्पादन होता है वो बिल्कुल अपना यू टर्न ले लेती है और नौकरी कहाँ, यूपी बिहार एमपी छत्तीसगढ़ इत्यादि लोगों को लाकर भरने का काम करती है और स्पष्ट कहती है कि लोकल को नहीं रखेंगे। चलिए ठीक है, हम नौकरी नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं जो भारत भूमिकरण अधिग्रहण का कानून है, जमीन के बदले जमीन। आपने जितना जमीन लिया है, चलिए सरकार ने आपका सपोर्ट किया, अच्छा बात है, अब आप सरकार से कहिए या आप कहां से लाते हैं, हमें जमीन के बदले जमीन दीजिए, क्योंकि भारत का जो भूमि अधिग्रहण कानून है वो स्पष्ट कहता है पुनर्स्थापन पुनर्वास, तो हमें जमीन के बदले जमीन दे दीजिए, नौकरी जिसको देना है दीजिए, और साथ ही जब तक वहां चिमनी रहेगा, जब तक कल कारखाना रहेगा, हम लोग को रिवेन्यू दे दीजिए। सरकार द्वारा जारी गजट में ये भी प्रावधान है कि 75% है आपका स्थानीयता को दिया जाए, ये प्लान एक प्रकार से इसका अनुपालन नहीं करें, क्या कहेंगे? निश्चय ही, चूंकि लोकतंत्र की आड़ में यहाँ तानाशाही चल रही है, भले आपके वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं कंपनी रोजगार करती है, कंपनी विकास करती है, तो हम वही लोगों से पूछना चाहेंगे कि आपका कह वित्त जमीन गया। बहुत सारे लोग आपको कमेंट करेंगे, हम उससे पहले ही बोल देते हैं, जो लोग कंपनी के समर्थन में कमेंट करेंगे उनसे ही पूछना चाहेंगे आपका कितना परिवार उजड़ा है, आपका कितना गांव उजड़ा है, विस्थापित हुआ है, तो इसलिए जो नहीं जानते हैं जमीन की बात को, मोबाइल पर जानने का प्रयास मत कीजिए, गांव में आइए जहां दर्द है, जहां दुख है, तो कंपनी एक तरह से डिक्टेटरशिप का काम कर रही है और साथ ही साथ भारत के संविधान को उल्लंघन कर रही है, चाहे सरकार का संरक्षण प्राप्त हो जैसे भी हो, क्योंकि भारत का संविधान जो हमारी प्रस्तावना है प्रियम्बल जिसे कहते हैं, वो स्पष्ट लिखा है हम भारत के लोग, फिर आगे लिखता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के पक्षधर रहेंगे, तो हम ये आर्थिक बात करना चाहते हैं। आर्थिक न्याय का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक विकास होना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, समाजवाद होनी चाहिए, यहाँ तो चंद मुट्ठी भर कंपनियों का विकास हो रहा है, हमारी पीढ़ी कर पीढ़ी दर आप देख सकते हैं गाँव में कंपनी के दुष्प्रभाव के कारण, जहरीले धुएं के कारण, चाहे दामोदर नदी के प्रदूषित होने के कारण, उस प्रभाव से हमें लगता है आसपास के प्रत्येक गांव में प्रत्येक साल औसतन 4 से 5 लोगों की मृत्यु हो जा रही है, ये कैसा विकास है भाई? और फिर आप कहेंगे विकास कर रहे हैं, हमारी मौत पर हमारे कफन के साथ अगर आपको विकास मंजूर है तो हमें दे दीजिए।